देवास जिले के भौरासा थाने के एक गांव में बाप ने बेटी के साथ पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। ग्राम काकरदा में एक कलयुगी बाप पिछले 6 वर्षों से अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करता रहा। 2 दिन पूर्व काकरदा ग्राम में हुए नुक्ते के कार्यक्रम में लड़की ने अपनी व्यथा मौसी को सुनाई तो मौसी ने तत्काल भौरासा थाना प्रभारी के सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंची। मौसी व नाना के साथ भौरासा थाना पहुंची नाबालिग लड़की ने अपनी आपबीती थाना प्रभारी के सिंह को बताई, जहां पर बालिका की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालिका ने पुलिस को बताया कि परिवार के लोग मना करते थे तो पिता अपनी पत्नी व 3 बच्चों को मारता था, घर में रखी बंदूक से धमकाता था, गांव में बंदूक लेकर घूमता था। नुक्ते में जाने के एक दिन पहले भी इस बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पिता पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई है। जब मैं 10 तारीख के रोज रसोई में थी तो मेरे को पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे हरकत होती है, तो फिर मैंने मेरे रिश्तेदार को बुलाया और उनको बुलाकर फिर मैं यहाँ थाने पे आई। यहाँ कितने साल से परेशान कर रहा था ये बच्ची को? ये 3-4 साल से सर। क्या क्या प्रताड़ना करी इसने बच्ची का? इसने बहुत गलत प्रताड़ना करी उसके साथ सर, वो कहने में शर्म आती है। ये इनकी वाइफ को भी परेशान करता था? उनकी वाइफ को सर मारता था, मार के बाहर भगा देता था और अंदर नहीं आने देता था। कई नाम है आपका? बलात्कार का मामला सामने आया है। एक बच्ची काकरदा की है, उसके द्वारा बताया गया, उसकी मम्मी और उसके परिजनों के साथ में आई है। उसका कहना है कि उसके खुद के पापा जो हैं पिछले कई साल से उसका शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं, तो उस पर से मुकदमा कायम किया गया है। सर कितने सालों से ये प्रताड़ना झेल रही थी, कुछ पता चला? हाँ, उसका कहना है कि 2014 से वो ये झेल रही है। किस तरह की धाराएं इसके ऊपर लगाई गई? धारा सभी बलात्कार की से संबंधित धाराएं हैं, पास को एक भी लगाया गया है।